Morning students, today I am going to discuss with you debate writing. So in this new video I will tell you how to write debate, and this question will be asked of about 5 marks. So students, so debate, you know it very well ki there are two aspects, and one is there are two aspects of debate, and we have to speak on one aspect, whether we have to speak in the favor of the motion and against the motion. So students, jo debate kya hoti hai, pehli baat to ye hai ki debate kya hoti hai. Debate means ki vaad vivaad in Hindi. So that means ki koi controversial issue aapko diya jata hai, aur us controversial issue pe aapko favor mein ya uske against bolna hota hai. To firstly main aapko bata dun ki isme jo hai, isme kya tips hai. Isme debate mein ye hota hai ki aapko agar aap, if you are going to speak in the favor of the motion, agar aap motion mane, ya motion means ki koi jo aapka topic hai, topic ke favor mein, ya agar aap against topic ke bol rahe hain, to I am going to speak in against the motion, aur agar aap uske favor bol rahe hain, to I am going to speak in the favor of the motion. To aise hame uski starting karni hai, wo main aapko batata hu. To debate writing mein firstly debate writing mein kya karenge aap, डिबेट राइटिंग, डिबेट राइटिंग, डिबेट इज ए कंट्रोवर्शियल इशू इन विच देर आर टू एस्पेक्ट, एंड द पार्टिसिपेंट हैव टू स्पीक ऑन वन, वेदर ही और शी हैज टू स्पीक इन द फेवर ऑफ द मोशन और अगेंस्ट द मोशन. तो फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स. तो पहले हमें ग्रीटिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा. ग्रीटिंग मींस कि गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, मैनेजर सर, वाइस प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स, ऑल माय स्कूल मेट्स, स्कूल फ्रेंड्स. तो टुडे फिर अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जो भी इंट्रोडक्शन होगा अपने बारे में सेल्फ. तो आई एम सो एंड सो ऑफ क्लास 11 गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन. ओके, तो देन आपको अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए देन यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट. तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, और दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन क्लास 12 इन 2019, द नीलगिरीज सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज होल्डिंग एन इंटर स्कूल डिबेट ऑन द टॉपिक स्कूल पुलिस आर अ मिनेज. देखिए, नीलगिरी जो स्कूल है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो एक होल्डिंग एन इंटर स्कूल डिबेट, इंटर स्कूल मींस स्कूल के आपस में एक डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहा है. कौन? जो नीलगिरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है. तो स्कूल बुलीज आर मिनेस, स्कूल बुलीज मींस क्या होता है? बुलीज मींस जो दूसरे को डराते हैं. इन द स्कूल देर आर सम स्टूडेंट्स हु ट्राई टू फाइट एन अदर, तो उनको कहते हैं स्कूल बुलीज. तो स्कूल जो बुलीज है वो एक मिनेस है. मिनेस मींस की कर्स है, एक श्राप है, एक नुकसानदायक नुकसानदायक है. तो दे शुड बी एक्सपेल, उनको स्कूल से निकाल दें. तो नाउ यू विल बी पार्टिसिपेटिंग फॉर योर स्कूल इन द डिबेट, आपको भी अपने स्कूल इस डिबेट में पार्टिसिपेट करना अपने स्कूल की तरफ से. तो यू विल पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम योर स्कूल इन द डिबेट, राइट योर डिबेट चूजिंग अ स्टैंड फॉर और अगेंस्ट द मोशन. आपको उसके स्टैंड फॉर और अगेंस्ट द मोशन, आपको उसे सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट मोशन, मोशन के अगेंस्ट बोलना है. तो अब जो है आप कैसे शुरुआत करोगे? तो फर्स्टली गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर, इंटर स्कूल डिबेट है.
sir, for the teachers and all my dear friends. I am so and so going to speak against the motion, yeah, in the favor of the motion. लेकिन जो ये जो debate है, ये inter school debate है, तो इसमें jury member होते हैं, तो आप लेंगे respected jury members, jury member, judges मतलब jury मतलब judges, jury members. And all my dear friends, good morning to all of you. Good morning to all of you. सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते हैं तो आप लिखेंगे दिस इज अपना नाम लेंगे आप जो भी नाम होगा ठीक है यहां पर मैं एबीसी यूज कर सकता हूं दिस इज एबीसी या फिर एबीसी ऑफ या फिर नेम दिया हुआ है नीलगिरी स्कूल्स कुछ नाम था नीलगिरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिस इज एबीसी ऑफ नीलगिरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट दी मोशन against HAINSP against the motion कि मैं motion के खिलाफ प्रस्ताव के खिलाफ बोलने जा रहा हूं कि I am going to speak against the motion ठीक है ना और motion क्या है against the motion school police are a menace school टॉपिक है स्कूल पुलिस आ मिनिस स्कूल पुलिस आ मिनिस एंड दे शुड बी एक्सपेल्ड तो मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ हूं ठीक है ना तो अब आप यहां पर आप अपने पॉइंट देंगे ये नहीं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेल नहीं बोलेंगे ठीक है आपने एक टॉपिक चूज कर लिया कि उसके फेवर बोलना है उसके अगेंस्ट बोलना है तो हाउ आप अपनी बात को आई स्ट्रांगली थिंक दैट ऐसे कोई वर्ड बोलेंगे आई स्ट्रांगली फील दैट Then I for I, this is not a solution of the problem. I for I is not a solution of the problem. We must be sympathetic. We must be sympathetic for the bullies. If a person is not like a stone, if a dacoit like
somebody can become a scholar, so how, so why can't a you know a bad behavior person can't change to a good person? Okay. So you can give your own views. It is not necessary what I am writing. You can give your own views, the view. Okay. So a person. The human is. Man is error. The person human being is called human being. This is not a stone. Make any mistake, we can